मैनपुरी से 1649 भट्टा मजदूरों को लेकर जाएगी विशेष ट्रेन पटना मैनपुरी। जनपद मैनपुरी में स्वीकृत 100 भट्टों पर काम कर रहे बाहर के मजदूरों को घर वापसी के लिए आज प्रशासन के द्वारा एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। ये ट्रेन 1649 भट्टा मजदूरों को लेकर पटना के लिए जाएगी। इस ट्रेन में जाने वाले मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन और ईंट भट्टा मालिकों के द्वारा की गई है। मजदूरों के टिकट की व्यवस्था ईंट भट्टा स्वामियों के द्वारा की गई है। इस ट्रेन में प्रति व्यक्ति किराया 430 रुपए है, जिसका भुगतान ईंट भट्टा मालिकों के द्वारा किया गया है। ये ट्रेन मजदूरों को बिहार के 2 स्थानों पर छोड़ेगी, पहले पटना, उसके बाद ट्रेन गया जाएगी। वहीं अगर हम ईंट भट्टों की बात करें तो ज्यादातर ईंट भट्टे बरसात के सीजन में बंद हो जाते हैं और भट्टा स्वामी मजदूरों को उनके घर भिजवा देते हैं और दोबारा भट्टा चालू होने पर वही मजदूर वापस काम पर आ जाते हैं। इसी कड़ी में ईंट भट्टा स्वामियों ने प्रशासन से मजदूरों को उनके घर भेजने की बात की तो प्रशासन ने ईंट भट्टा मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की, जिससे ये मजदूर अपने घर के लिए जा सके। नहीं, अभी हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई है वो हमारे पास, आप पूछ के बता दीजिए। मजदूर जो है भट्टों में काम कर रहे थे, भट्टा संघों ने, भट्टा स्वामियों ने आग्रह किया था, सरकार की भी आदेश उनकी आग्रह आता है, जाना चाह रहे हैं भट्टा से, तो उनको भेजने के लिए व्यवस्था की जाए। उसी क्रम में एक ट्रेन की व्यवस्था की गई, जिसमें खाने पीने की पानी आदि की व्यवस्थाएँ कराई जा रही हैं, उनको मेडिकल स्क्रीनिंग करा के पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद उनको ट्रेन से रवानगी की गया और पटना दो जगह भेजा जाएगा। सर, बात करें जो भी नियम है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो नियमों के अनुरूप आदेशों के अनुरूप की गई हैं। उसमें जो भी खान पान व्यवस्था भी सरकार ने व्यवस्थाएँ कराई जा रही हैं। और अगर आगे और भी मांग किया है कि भट्टा संघ की और खेलना चाहते हैं या और सुबह जाना चाह रहे हैं, तो तब तक मैं और व्यवस्था कर रहा हूँ। अपनी सुरक्षा से, क्योंकि वर्षा भी तो आने वाला है, जो बताया गया इनके द्वारा वर्षा तो आने वाला है, काम किस समय बंद रहेगा। अभी तक ये लोग काम कर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, अभी तक कहीं नहीं गए थे, काफ़ी लोग जा चुके हैं बाहर, लेकिन ये लोग यहीं पे रह रहे थे, पंखे में काम कर रहे थे। अब बारिश संभावित है तो इसकी मुश्किल लोग इसलिए मैं हमेशा जाते हैं अपने घर, इसीलिए लोग आगरा आया था जाने का, क्योंकि सीजन आ रहा है, बारिश हो रही है, काम कर जाना चाह रहे हैं, इसलिए उनके आगरा पे शासन निर्देश करने की व्यवस्था है। कभी अगर स्थानीय जनपद की बात करें तो कोई समस्या नहीं थी, अपने स्वतः कोई समस्या नहीं थी। आप देखिए, अब आप भीड़ में खड़े हैं आप, और 13 जून आज है, ये लोग अभी तक यही काम कर रहे थे, भट्टा में काम चल रहा था, सभी लोग काम कर रहे थे। अब ये लोग कह रहे हैं साहब वर्षा आ रही है, अब हमारा काम खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम लोग पहले भी जाते रहे हैं अपने अपने घरों में, 4 मार्च में जा रहे हैं,